नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल डिलीशियस फूड रेसिपीज के किचन में। दोस्तों आज मैं एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ और आज मैं एक मिठाई बनाने वाली हूँ। तो आज की मैं ये रेसिपी है केसर पेड़ा। तो केसर पेड़ा बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए पहले आइए हम वो देख लेते हैं। तो केसर पेड़ा बनाने के लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो है 1 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। केसर हमें चाहिए, यहाँ पे मैंने दूध में केसर को घोल करके रखा हुआ है। 3 से 4 बड़े चम्मच हमें चाहिए। 1/4 चम्मच हमें चाहिए कार्डमम पाउडर। स्लाइस किए हुए चाहिए हमें आमंड यानी कि बादाम। और हमें बटर चाहिए 15 से 20 ग्राम। यहाँ पे बटर जगह मैं घी यूज कर रही हूँ तो 15 से 20 ग्राम हमें लगेगा। सो आइए अब केसर पेड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी होती है। सो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें। और आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। घी ऐड कर दिया है हमने, अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें घी ऐड करने के बाद एकदम लो फ्लेम पे इसे मिक्स करें अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क मिलाने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें, आप इसे छोड़े नहीं, अदरवाइज ये चिपक जाएगा। अगर घी डालने के बाद जब आप इसमें मिल्क पाउडर डालते हैं और आपका मिल्क पाउडर जम जाता है तो उसमें घबराएं ना आप। अगर वो जम जाता है तो आप मिक्सी में थोड़ा सा आप उसे ग्राइंडिंग जार में डाल करके थोड़ा सा दूध ऐड करके और उसे ग्राइंड कर लें, उसके बाद बनाएं तो उससे भी वो ठीक हो जाएगा। हम इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना जब तक ये दूध पूरी तरह से सूख न ले, सूख न जाए ये कंडेंस मिल्क। हमें इसे लगातार एकदम चलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, अदरवाइज ये चिपक जाएगा। हमें यहाँ पे इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। आप देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो गया है। बीच में इसे हम नहीं छोड़ेंगे और इसके किनारे पे जो लग रहा है इसे भी हम इस तरह से छोड़ने से इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अगर आप इसे बीच में छोड़ेंगे तो ये जल जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसके किनारे कढ़ाई को छोड़ने ना लगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार ना हो जाए। हमें इसे लगातार घाटते हुए यानी कि चलाते हुए इसे पका लेना है। आप अगर इसे इस तरह से गीला निकाल लेंगे ये हमारी राबड़ी हो गई, ये हमारी राबड़ी तैयार है। और वही अगर हम इसे गाढ़ा कर देंगे, इसका एक डो जैसा तैयार कर देंगे तो वो हमारा मावा खोआ का काम करेगा। उसी में अगर हम सेफ्रॉन मिल्क और इलायची पाउडर मिला देंगे उसके बाद हम उस डो से तैयार करेंगे छोटे छोटे पेड़े तो हमारा पेड़ा हो गया। हमें इसे लगातार चलाते हुए पका लेना है। आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सट भी रहा है। हमें इसकी साइड को भी इस तरह से किनारों को भी इस तरह से करते हुए पकाना है। हमें इसे लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब इसमें मिलाएंगे केसर वाला दूध, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा डो तैयार होने लगा है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। और देख रहे हैं ये कढ़ाई में नहीं सट रहा है, इसके किनारे को भी निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छा हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये हमारा तैयार हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे पेड़े बनाएंगे।
दो हमारा ठंडा हो चुका है, आइए अब हम इससे पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से छोटे साइज का ले लेंगे, इसे हम राउंड 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 कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से दबा देंगे और इसके ऊपर इस तरह से बना लेंगे। इस तरह से बाकी सारे को बना लेंगे। अगर डो चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा हाथ में घी ऐड कर लें, इस तरह से वापस ले लें, राउंड राउंड कर लें। और इसे हल्का सा जैसे बादाम बीच में डालकर हल्का से इसे दबा दें। इस तरह से बाकी सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए दोस्तों, हमारा केसर पेड़ा बनकर के तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप घर पर जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर करें। ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। दोस्तों, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आप उस फेस्टिवल्स में इस पेड़े को बनाएं और खाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे चैनल के साथ शेयर जरूर करें और मेरी रेसिपीज को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपीज पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लिक द बेल बटन, बेल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपने मेरी आज की रेसिपी एंजॉय की तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।